हेलो दोस्तों, आज मुझे मेरे कबर्ड में से मेरे बचपन की कार मिली। ये मेरी फेवरेट कार थी। मुझे याद है मैं इससे बचपन में कितना खेला करता था और दोस्तों के साथ रेस लगाया करता था, पर इसका मुझे कोई लॉन्चर नहीं मिल रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना आज इसका एक लॉन्चर ही बना लूँ। एक कार लॉन्चर बनाने के लिए मुझे ऐसे मटेरियल्स चाहिए जो घर में रेडीली अवेलेबल भी हो और जिससे लॉन्चर बनाना आसान भी हो। मैं स्टोर रूम में जाके चेक करके आता हूँ। देखो मुझे क्या मिला। मेरे पास ये वुडन लॉग है, ये प्लास्टिक की शीट है, कुछ रबर बैंड्स हैं और थोड़े से स्क्रूज हैं। क्या इन चीजों से मैं एक कार लॉन्चर बना सकता हूँ? ट्राई करके देखते हैं। अगर मैं इस वुडन लॉग को 3 बराबर हिस्सों में काट लूं और इन स्क्रूज की मदद से रबर बैंड से कनेक्ट कर दूं तो ये पॉसिबल है, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। The concept here I am using is energy conservation, which states that the total energy of an isolated system is constant. बाबा न्यूटन ने कहा था, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो बस इसी प्रिंसिपल का यूज करके हम इस रबर बैंड की इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को कार की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देंगे। जैसा कि पहले मैंने बताया था, हम इस वुडन लॉक को 3 बराबर हिस्सों में काटेंगे। उसके लिए मैं इसमें मार्किंग कर लेता हूँ। किसी भी चीज को काटने से पहले मार्किंग करना बहुत जरूरी है। सॉ से काटते समय हम सेफ्टी रीजंस और एफिशिएंट कटिंग के लिए दो बातों को हमेशा ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले अपने इस फ्री हैंड से किसी फिक्स सपोर्ट के सहारे इस वुडन लॉक को कस के पकड़ेंगे, इससे आपकी वुडन लॉक स्टेबल रहेगी। दूसरी बात, सॉ को मार्किंग की जगह पर एंगल पर ऐसे धीरे धीरे रब करेंगे, इससे यहाँ एक ग्रूव बन जाएगा। ग्रूव बनने से आपकी कटिंग स्टेबल और सीधी होगी। हम इस वुडन ब्लॉक के एजेस को सैंडपेपर से रब करेंगे, इससे इसकी शार्प एजेस राउंड और स्मूथ हो जाएगी। अब हम इन वुडन ब्लॉक्स को इस प्लास्टिक शीट की मदद से असेंबल करेंगे। इसके लिए मैं इस प्लास्टिक शीट को इन वुडन ब्लॉक्स पर रखूंगा और मार्किंग करके इसे लेंथ और विड्थ वाइज काट लूंगा। तो शीट काटने के बाद हम इसे वुडन ब्लॉक्स की टॉप पर असेंबल करेंगे और बेस के लिए हम इससे डबल लेंथ की शीट को काटेंगे। वुडन ब्लॉक्स पर असेंबल करने के लिए हम इन स्क्रूज का इस्तेमाल करेंगे, जिसके लिए हमें 4 होल ड्रिल करने पड़ेंगे। जिसके लिए सबसे पहले मैं इसे मार्किंग कर लेता हूँ। ड्रिलिंग मशीन का यूज हमेशा पेरेंटल सुपरविजन में करें और ड्रिल करते समय ध्यान रहे कि ड्रिल बिट का एंगल सरफेस से 90 डिग्री पर है। ड्रिल करने के बाद हम इस बेस प्लास्टिक शीट को इस डबल साइडेड टेप से ऐसे लगा देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारा बेसिक स्ट्रक्चर तैयार हो गया है। अब हम इन दो साइड वुडन ब्लॉक्स पे स्क्रूज माउंट कर देंगे, जिस पे हम ये रबर बैंड लगाएंगे। इन साइड स्क्रूज को हम आधा ही अंदर डालेंगे ताकि इस पे हम रबर बैंड माउंट कर सकें। ठीक उसी प्रकार अब हम इस सेंटर ब्लॉक में भी 2 स्क्रूज माउंट कर देंगे, जिसमें से हम रबर बैंड को पास करेंगे। स्क्रूज माउंट करने के बाद अब सिर्फ एक चीज रह गई है और वो है रबर बैंड माउंट करना। तो कैसे करेंगे ये देखिए। सबसे पहले इस साइड वुड वाले स्क्रू पे रबर बैंड का एक हिस्सा हम लगाएंगे, उसके बाद सेंटर वुड के स्क्रू से इसको पास करा के दूसरे साइड वाले वुड पे फिक्स कर देंगे। हो गया आपका मॉडल तैयार। और एक बार
अगर आप अपनी कार से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं तो उसके बम्पर को हिटिंग से बचाने के लिए इस सेंटर हुड पे एक कुशन प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरा कार लॉन्चर तैयार है और मैं इसे टेस्ट करने के लिए बहुत उत्सुक हूं। That was so much fun. अब मेरे पास मेरी फेवरेट कार के साथ खेलने के लिए एक नया प्रोडक्ट मिल गया है। आप खुद भी अपनी फेवरेट चीजों के साथ खेलने के लिए ऐसे प्रोडक्ट्स बना सकते हैं और अपने साइंस नॉलेज को अप्लाई कर सकते हैं। So keep experimenting, keep learning. See you next time. Bye bye.